ई दिशा केंद्र का बड़ा कारनामा। ई दिशा केंद्र पर काम कर रहे कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यमुनानगर के सुडल गांव के एक युवक दीपक के नाम पर बनाई गई पांच कारों की आरसी बनाकर युवक के घर पर डाक द्वारा भेजी गई, जबकि युवक ने इन पांच महंगी कारों में से कोई कार नहीं खरीदी, फिर भी उसके नाम पर पांच कारों की रजिस्ट्रेशन की गई। एक महीने के अंदर एक के बाद एक पांच महंगी कारों की आरसी दीपक के घर भेजी गई। युवक ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवक ने एसडीएम जगाधरी और एसपी यमुनानगर को शिकायत भी दी है। वहीं दीपक की शिकायत को देखकर जगाधरी एसडीएम दर्शन सिंह भी हैरान रह गए और उन्होंने भी एसपी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच के बारे में कहा है। सर, शिकायत है मेरे पास एक डेढ़ महीने से आरसी आ रही है घर पे बाई पोस्ट। ठीक है, दो आरसी आ चुकी है और परसों को 19 तारीख को लुधियाना पुलिस आई, पंजाब पुलिस, तो एक आरसी वो ले गए। तो जी उसके बाद एक फ़ोन आया मेरे पास डीलर का, वो कहता है कि दो आरसी तेरी मेरे पास पड़ी हैं। तो पता नहीं लग रहा है कि आरसी कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, कौन बना रहा है इसको, डॉक्यूमेंट कैसे लीक हुए हैं। तो मतलब कि कोई दिक्कत परेशानी होती है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो उसमें मेरे को ही उठाया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा बाद में। और ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने आरसी पहले बनवाई थी तो यहीं पर हैं और कहीं पर नहीं हो सकते। मान लो कुछ भी है तो अंदर की कार्रवाई होनी है। कितनी आरसी आई अब तक आपके पास? अब तक पांच आ चुकी हैं जी। और जो आरसी हैं वो व्हीकल आपके पास हैं? वो मेरे पास नहीं है, सिर्फ आरसी बाई पोस्ट आई है, ना मेरे पास व्हीकल है कोई ऐसी। वो कारों की है? किस कारों की है? इस संबंध में किसी से आप मिले पहले जो दो आरसी आई थी? नहीं, वो बाई पोस्ट आई ना सर। तो वो आपने वापिस यहाँ पर? वापिस मैंने दी, वो यहीं पर दे दी थी मैंने। अमित नाम का लड़का है वो, तो उसने कहा कि मैं इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ आरसी को, तो उसने वो अपने पास रख ली, बोलता है मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। तो उसके बाद चेक? सर मैंने उसके बाद चेक नहीं किया, उसके बाद दोबारा फिर आरसी आ गई। नहीं, जो इसमें जो गाड़ियां हैं वो लग्जरी गाड़ियां हैं या कैसी गाड़ियां हैं? सर एक टोयोटा एटियोज है, एक वैगनर है और एक एक्सोलो है। ऑलरेडी आ चुके हैं और जिसने मतलब डीलर ने कॉल की थी वो ये कह रहा कि अभी पेंडिंग में भी आरसी है, ये नहीं है 10 हैं 20 हैं 50 हैं, कितनी आरसी हैं। साथ ही एसडीएम दर्शन सिंह का कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही है कि कैसे बिना कार लिए एक युवक के नाम कारों की रजिस्ट्रेशन हुई। युवक ने हमें लिखित में तीन आरसीओ के बारे में बताया है, इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। इस मामले में चार कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। उस आदमी के नाम पांच गाड़ी नहीं है, मेरे को रिटर्न में वो तीन गाड़ी में शिकायत दे गए, वो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, मैंने अपने जो एमआरसी है उनको मार्क कर दिए और जो हम पुलिस को कंप्लेंट करी है उसके अंदर भी हमने इसकी डिटेल दी है। भी ऐसी शिकायतें भी आ रही है, एक आदमी ने वो कह रहा है मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, तो ये भी उसी अनियमितता का एक हिस्सा है, तो ये भी हमने जांच के लिए पुलिस को लिखा है। हमारे कर्मचारी भी वो फाइलें ढूंढ रहे हैं भी इसके नाम ये गाड़ियाँ कैसे हुई। सर वो कल मेरे पास आया था, कल उसने कहा भी अमित नाम के लड़के को मैंने एक सारे कागज आरसियाँ दी थी, तो मैंने कहा भी अमित को नहीं देके आज तुम आ रहे हो, मेरे को उसी दिन बतानी चाहिए थी, हम उसी दिन कार्रवाई इसके खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन आज अमित कुमार है पिछले पांच दिनों से ऑफिस में हाजिर नहीं आ रहा है वो, तो हमने इन्हीं की बलि उसी टाइम मैंने एक्शन लेते हुए अपने एसआर जो हमारा जो सुपरिटेंडेंट होता है एसडीएम ऑफिस का उसी के नाम मार्क कर दी थी और वो उसका रिकॉर्ड भी हम ढूंढवा रहे हैं और साथ में हमने पुलिस को भी लिखा है भी ये जो आरसीएम बनी है ये व्यक्ति कह रहा है मैंने कभी गाड़ी खरीदी नहीं, तो बड़ी ये भी एक जांच का विषय है, इसकी जांच करवाओ और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई करो। तो सर फिर अमित के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है और चार ऑपरेटर उसके साथ थी, और तीन ऑपरेटर उनके साथ चार लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, हमने एसपी साहब को लिख दी है भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और ये जांच कराई जाए भी ये इन लोगों ने कैसे ये जो हमारे रिकॉर्ड में टैंपिंग करी है या कैसे रसीदें काटी है, हमारी यूजर आईडियां हैं जो चोरी करके बगैर एमआरसी के मतलब सिग्नेचर के गाड़ियां पास करी है, तो ये जांच का विषय है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।